ऑल राइट आसिफ, मैं अमरजोत बोल रहा हूँ एडमिंटन से। आपके जो इंक्वायरी कोई आई है, आपको एप्लीकेशन करनी है, कनाडा के लिए आना है, उसके बारे में आपके सवालात पे करके नज़र डालेंगे। और मेरे को खुशी है कि आपने एक कंसल्टेशन का एक रास्ता इख्तियार किया। कई लोग सोचते हैं कि भाई हज़ारों डॉलर दे के किसी से काम करा लिया जाए, उससे पहले कि वो समझना नहीं चाहते कि इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है। और आपने 220 डॉलर दिए हैं और आपने सवाल एक लिस्ट भेजी है, उस सवालों को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तवज्जो देंगे उस पर, देखेंगे कि आपके जो सारी जो जो प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। करेक्ट, सही है? जी जी सर, बिल्कुल ठीक। तो आपने सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा कि एक्सप्रेस एंट्री अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट LMIA वर्क परमिट ये PR वगैरह क्या है, पहले तो सही सवाल आपने ये पूछा आपने, सही है? जी जी सर, बिल्कुल। जो एक्सप्रेस एंट्री, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी कि एक्सप्रेस एंट्री एक स्किल्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें पॉइंट्स देखे जाते हैं। पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपके टोटल एक जो मेरिट लिस्ट बनती है जो स्किल लोगों की, उसके हिसाब से लोगों को PR के लिए एक इनविटेशन मिलता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे PR के पॉइंट्स बनते हैं, जो है आपकी उम्र कम होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी हाई होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर से डिग्री या मास्टर्स डिग्री अच्छा है, और चौथी चीज़ है जो है आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन चारों के पॉइंट्स मिला के एक एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स बनते हैं। वो आप मेरी अगर पुरानी वीडियो देख लेंगे, कुछ काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हमने, तो उसमें एक आपको कितने पॉइंट्स आपके बनते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जो आपने पूछा अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक जो क्या है, वहाँ पर कनाडा के ईस्टर्न साइड में, जहाँ पर एक अटलांटिक ओशन के पास 4 प्रोविंसेस हैं जिनको अटलांटिक प्रोविंसेस कहते हैं, मैरिटाइम भी कहते हैं प्रोविंसेस, वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम ऐसा किया है कि वहाँ का कोई भी, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है, तो बगैर LMIA के वर्क परमिट दे के काम कर सकते हो, और वही आपको नॉमिनेट करके आपको PR दे देंगे। थोड़ा सा इतना समझें कि आपको जॉब के लिए जी LMIA चाहिए होता है, लेकिन उन प्रोविंसेस में आपको LMIA चाहिए नहीं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। लेकिन इसके लिए आपको वहां पर नौकरी चाहिए जो आपके मतलब की हो, जो आपके बैकग्राउंड की हो। जैसे आप IT का काम करते हैं तो IT का प्रोफेशनल कोई ऐसा कोई अगर जॉब मिलता है, तो जॉब के बेस पे आप वो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले जॉब चाहिए। जो LMIA आपने पूछा, LMIA तो मैंने बता दी आपको ऑलरेडी। LMIA एक जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के सरकार से मंजूरी एक चाहिए होती है कि भाई ये जॉब अलाउड है और इस जॉब पे आके आप काम कर सकते हैं, तो उसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। उससे एक एक एग्जाम्पल दे दें, जैसे अगर मैं एक बड़ी कंपनी हूँ और मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है, तो मैं एक अखबार में इश्तेहार निकालूंगा और देखूंगा कि भाई कोई लोकल आदमी काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर कोई तैयार है तो मैं उसको रखूंगा, अगर नहीं है तो सरकार को कहूंगा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, कोई रेज्यूमे नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को बाहर से मिस्टर आसिफ को लेके आना पड़ेगा। इसको कहते हैं LMIA ब्रीफली, बाकी लंबी बहुत बात है लेकिन ब्रीफली इसको ये कहते हैं। तो उससे आपको वर्क परमिट मिलता है, और वर्क परमिट से आपको फिर अगर आप ऑलरेडी मिल गया तो उसके पॉइंट्स लेके आपके एक्सप्रेस एंट्री में कम से कम 50 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। थोड़ा सा ठीक है क्लियर जी। हो गया, अलग अलग बातें क्लियर हो गई। जी जी सर, क्लियर हो गया। दूसरे दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ आपके, कि आपके आपने पूछा कि कितने साल आप रह सकते हो विदाउट LMIA परमिट। इसका थोड़ा खुलासा करें, क्या मतलब है इसका सवाल का? यानी कि अभी वीजा लेके मैं आ जाऊंगा तो ये वर्क परमिट होगा या नहीं? तो सादा वीजा होगा, जिस तरह सऊदीया में हम आते हैं, ओपन वीजा जिसे कहते हैं। हाँ, सादे वीजे पे, जो कनाडा का जो सादा वीजा है, जो विजिटर वीजा भी कहते हैं, उस पे आप काम नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको वो 6 महीने की एंट्री देते हैं, और 6 महीने की एंट्री के बाद आपको फिर विदाईगी लेनी पड़ेगी, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा अपने कंट्री, क्योंकि आप टूरिस्ट आए हैं, घूमने के बाद जाना पड़ेगा। जैसे मैं पाकिस्तान आऊँ घूमने, अगर लाहौर आऊँ घूमने, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तो नहीं हमें कहती है कि भाई आप आए और कभी ना जाए, आपको कभी ना कभी जाना पड़ेगा। जब मेहमान नवाजी खत्म हो जाती है तो जाना पड़ता है। उसी तरीके जी से बिल्कुल। टूरिस्ट है, विजिटर है, उसको भी टिपिकली ऑन एन एवरेज 6 महीने बाद जाना पड़ता है। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, ना काम कर सकते, अनलेस आपके पास कोई LMIA मिल गया हो उस दौरान और आप उसको वर्क परमिट में तब्दील करा लें, तो वो बात उस, तब आप रह सकते हैं, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर, तीसरा सवाल, बिल्कुल जी, क्लियर। तीसरा सवाल,
ये हमारा सेशन ऐसा चल रहा है जैसे कि प्रोफेसर स्टूडेंट चल रहा है, तो अगर क्लियर होंगे तभी अगले चैप्टर पे जाएंगे हम, सही है जी सर, ये तीसरा था जी, ऑफर लेटर के बगैर मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? वीजा? यानी कौन सा ऑफर लेटर, किस तरह का ऑफर लेटर की बात कर रहे हैं? यानी जॉब ऑफर लेटर, अगर मुझे कनाडा से कोई कंपनी का नहीं आता तो उसके बगैर मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, जॉब आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, ऑफर लेटर तो चाहिए चाहिए। जब जब तक जी आप सर, जब तक मुलाजिम बनने के लिए आपके पास कोई वहां से कोई इनविटेशन नहीं आएगा तो आप मुलाजिम बनेंगे कैसे? किसी ना किसी को जी तो सर, नौकरी देनी पड़ेगी ना, उसके बगैर तो वर्क परमिट मिलता नहीं है। कुछ कुछ स्कीम्स हैं जहां पर जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स के लिए नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको क्लियर करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो 18 से 30 साल के जो दौरान हैं, उनका एक हॉलीडे मेकर वीजा होता है, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं बगैर जॉब ऑफर के, काम कर सकते हैं 1 साल 2 साल तक। लेकिन वो कुछ कंट्रीज के लिए है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह इन कंट्रीज के नहीं है। जी सर, तो फिर मैं किस तरह अप्लाई करूंगा, किस कैटेगरी में? जी आपको जो अगर आपको अगर आना ही है, घूमने आना है यहाँ पर, तो आप विजिटर वीजा अप्लाई करेंगे। नहीं, घूमने तो नहीं आना, मैं चाहता हूँ कि आके वहां मैंने जॉब यानी ढूंढनी है, हाँ फिर काम तो करना है जिस तरह। आप नहीं आ सकते जब तक आपको वो जॉब नहीं मिलती, आप यहाँ पर वर्क परमिट के बगैर नहीं आ सकते। अगर आपको काम करना है तो आपको वहीं बैठ के आप गूगल पे वगैरह कहीं कंपनियों का अप्रोच करें, उनको जी जी जॉब वगैरह के अपने रेज्यूमे भेजें, और कोई अगर आपको जॉब देता है फिर आप वर्क परमिट पे शान से आ सकते हैं, पहले दिन से आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर और बताएं, जी, अगला सवाल। एक सवाल आपने पूछा है कि चौथा सवाल तो हमने कर ही दिया कि आपको विदाउट जॉब ऑफर लेटर नहीं हो सकता। पांचवा जी सवाल जी आपने पूछा है कि एजेंट और लॉयर जरूरी है वीजा अप्लाई करने के लिए, एजेंट लॉयर कनाडा से है तो अच्छा होता है बिकॉज लाइसेंस एजेंट। ये आपने बिल्कुल सही, आपने जिसको कहते हैं कि कील पे हथौड़ी मारी, आपने बिल्कुल सही कि हाँ, अगर आप किसी लॉयर से, कनाडा में लॉयर या कनाडा का कोई एजेंट है जिसके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंस शुदा अगर कंसल्टेंट से आप अपना काम करवा रहे हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कम से कम वो आपको रसीद देंगे पैसे की, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर कोई कंप्लेन वगैरह करनी है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन करने के लिए एक आपके पास जरिया खुल जाएगा। अगर किसी अनलाइसेंस किसी प्रोफेशनल से आप काम कराएंगे, तो अगर आपको पैसा लेके भाग गया या और इवन वर्स आपकी एप्लीकेशन खराब हो गई, कोई और प्रॉब्लम मसला उसमें हो गया, तो आप उसके खिलाफ कोई भी केस करें या ना करें उसकी कोई गारंटी नहीं है, कैनेडियन सरकार आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, ठीक है, बाकी मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कैनेडियन गवर्नमेंट कभी किसी से नहीं कहती कि आप लॉयर से करवाओ नहीं करवाओ, वो तो ये कहती है जो मैं भी आपको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि आपका अपना केस अपने आप खुद फाइल करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जाके उससे पूछो, लेकिन आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपको केस उनसे ही कराना है, आपकी मर्जी है। बहुत बहुत लोग हैं जो अपने आप ही करते हैं। जी सर, ठीक है ठीक है, और अगर ये आपने नंबर 6 तो क्वेश्चन पूछा, सबमिट ए वीजा एप्लीकेशन थ्रू योर जस्ट कंसल्टेंट और हाउ मच इज द फीस, तो इस बारे में मैं वीजा एप्लीकेशन सबकी डाल भी सकता हूँ और मेरे को डालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको कुछ एक नुक्ता बताऊं जिससे कि आप अपने पैसे बचा के अपने आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपने $220 मेरे को दिए और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे करना है, ये अपने आप कर सकते हो, आपको इधर उधर हजारों डॉलर हजारों दिरहम वगैरह फेंकने की जरूरत नहीं है। तो जी टूरिस्ट सर, जैसे टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन है उसकी चेकलिस्ट दी हुई है उनकी वेबसाइट पे, वर्क परमिट का मैंने आपको बता ही दिया कि जब तक आपके पास जॉब ऑफर नहीं है आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरे को पैसे देना तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरा मकसद पैसे ज्यादा पैसे कमा ज्यादा नहीं, 220 में मेरा गुजारा चल जाता है, इतना पैसा कमाना नहीं है कि आप कि मेरे को कहो कि मेरा वीजा करा के दो, इसकी जरूरत नहीं है। अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई रिफ्यूजल है, कोई अपील है, था हाँ जरूर मैं करूंगा, लेकिन इस नॉर्मल केसेस में मेरे को करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ये कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, सही है। नंबर 7 आपने सवाल ये पूछा कि डिग्री, करंट वीजा प्रोफेशन और करंट एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। आपने बोला कि आप ने बीए करी है, एसी टेक्नीशियन वीजा लिया है मार्च 2010 में, कंपनी हायर्ड मी कंप्यूटर कन्वर्टर में कंप्यूटर टेक्नीशियन। तो एज फार एज एक्सप्रेस एंट्री इज कंसर्न, एक्सप्रेस एंट्री में जो एक मेन नुक्ता उनका ये है कि आपको एक प्रोफेशन चूज करना है एप्लीकेशन डालने के लिए, जिसको कहते हैं NOC, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन।
तो आपको एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन चूज करनी है, उसके तहत आपको एक वीजा जो एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन डालनी है। तो आपकी जो जो भी ऑक्यूपेशन आपकी पिछले 10 साल के दौरान जितनी भी ऑक्यूपेशन रही है उसमें से आपको एक चूज करना है, और जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं जिसके पास मिनिमम 1 साल से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है। तो मतलब कि 3 साल का एक्सपीरियंस मैक्स होता है कि जिसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो आप पिछले 10 साल के जो आप देख लें, जैसे आपने आप 2010 से काम कर रहे हैं ना, कब से काम कर रहे हैं? जी सर, 2010 से। 2010 से लेकर अभी तक 8 साल में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कुछ करने का? जी बिल्कुल, यही कंप्यूटर टेक्नीशियन का। तो कंप्यूटर टेक्नीशियन आप चूज कर सकते हैं, एसी टेक्नीशियन को रहने दें आप, एसी टेक्नीशियन इज अ पेड ऑक्यूपेशन, उसको रहने दें आप। इसका डिग्री से भी तल्लक है जी? इसका डिग्री मेरी बीए है सर। हाँ हाँ, उसमें नहीं, बीए किस चीज में है? उसमें तो नहीं है बीए आपका? बीए किस नहीं, बीए मेरा आर्ट्स में है, बैचलर्स इन आर्ट्स। अच्छा, नहीं आपका कंप्यूटर टेक्नीशियन मैं देख लेता हूँ, कंप्यूटर टेक्नीशियन का एक एनओसी कोड देख के मैं आपको बता दूंगा कि उसका कोड क्या है। कई बार क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती है, और कई बार जो है एक्सपीरियंस से ही काम चल जाता है। तो वो मैं देख लेता हूँ। आप कंप्यूटर टेक्नीशियन में करते क्या हो, हार्डवेयर काम करते हो, सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर टेक्नीशियन? सिर्फ सॉफ्टवेयर जी, यहाँ प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर मैं देख लेता हूँ कि कौन सी आपके लिए सूट करेगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन तो एक मेरे को दिख रहा है कि ये शायद ना आपकी उसमें हो, इसकी जो नेटवर्क में एक सीसीएनए मैंने किया हो, जिससे इसको सर्टिफाइड नेटवर्क का आ जाएगा बस वो। तो फिर आपका काम है लैन एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, लैन टेक्नीशियन, वेब टेक्नीशियन, ये सब हो जाएगा। तो इसमें इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो मतलब एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट है करने के लिए, आपके पास कोई ना कोई कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या आपके पास जो कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री की फाइल की बात कर रहे हैं, तो आप तो पहले एक अपना एनओसी कोड नोट कर लो, 2281 आपका है, कागज पेंसिल है तो नोट कर लो, काम आएगा। इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन। आवाज आ रही मेरी? जी सर, बीच में अटक गई से, अभी बोले जी। आप बोलते रहे, पता लग जाएगा आवाज, मैं ऐसा होता है मैं अपने जी जी, अच्छा अच्छा, बार बार बोलते रहे कि आवाज आ रही कि नहीं। 2281 आपका वो है, और आपके एनओसी कोड, और इसमें आपका कोई ना कोई आपको कॉलेज का कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपने सीसीएनए किया है तो वो चल जाएगा। ठीक है जी, वो एक्सपायर हो रहा है मेरा 2019 मार्च में, तो उससे पहले पहले मैं चाहता था अप्लाई हो जाए, वरना मुझे फिर सीसीएनपी एक होता है वो करना पड़ेगा। तो आपने सीसीएनए की बात भी हो गई, आपने कहा कि आपके पास बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट। कोई भी अकाउंट, पीछे से कॉल आ रही, मैं कॉल काट रहा हूँ, एक्चुअली पीछे से लोग कॉल कर जा रहे हैं, मैं कॉल काट रहा हूँ, सॉरी फॉर द टेक्निकल थिंग। तो कोई भी अकाउंट चलेगा आपके पास, तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री करते हो तो पिछले वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं आपके पास कितना पैसा है। आप सिंगल हो, मैरिड तो नहीं हो? नहीं, मैरिड हूँ मगर फैमिली पाकिस्तान में। हाँ, तो कितने बच्चे हैं टोटल? बच्चा है जी अभी। हाँ जी, एक ही बेटी है जी अभी। अच्छा, तो आपको बस एक जो बैंक स्टेटमेंट में पैसे दिखाने पड़ेंगे, चाहे आपके पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ पर हो कहीं है। तो आपके 3 मेंबर है, आपको टोटल करीब 19,000 आपको क्रेडिट डॉलर दिखाने पड़ेंगे बैंक स्टेटमेंट में। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप प्रिंट कर देंगे, जो लिक्विड फंड्स जी, ठीक है, इट्स एक्चुअली $19,093, सो आप यू नो लेस देन $20,000 ये आपको दिखाने पड़ेंगे। तो कोई भी बैंक अकाउंट चल जाएगा आपको, बैंक अकाउंट आपको कहीं भी हो, इट डज नॉट मैटर। 11वां क्वेश्चन आपने पूछा कि कितने पैसे हम लाएं सर्वाइव करने के लिए। ये जो पैसे जो का है, जो $20,000 का है, ये इसी के लिए है कि अगर आपको 6 महीने नौकरी नहीं मिली तो आप कम से कम गुजारा कर सकते हो आपका। जी सर, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी शर्त है, जितने पैसे आप ले आना जा सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल आपने पूछा है कि ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है टूरिस्ट वीजा के लिए। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए हैं
जिसमें मैंने बताया कि जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री जीरो थी उनको फिर भी टूरिस्ट वीजा मिल गया, और जिनके पास बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिनकी ऑलरेडी अमेरिका कनाडा के भी और कहीं और वीजे लगे थे, कई बार उनका भी रिफ्यूज हो गया। तो जी मेरे जी ख्याल जी में आपको एडवाइस दूंगा, आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई ना करो, टूरिस्ट वीजा आपका कोई फायदा नहीं अप्लाई करने का। टूरिस्ट वीजा मिल भी गया, आके घूम के जाओगे, पैसा वेस्ट होगा, कोई अभी जी इट्स सर नॉट नीडेड। आप अपना पीआर की जो फाइल दुरुस्त करो बस। जी ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है, हाउ मेनी डेज डस इट, टोटल ये दिन डिपेंड करता है पॉइंट्स कितने। अगर आपके 440 प्लस पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप, हमें लगता है कि आपका विद इन 8 to 10 months, 10 महीने से पहले पहले आपकी टोटल फाइल मुकम्मल होके आप कनाडा पहुंच सकते हो। ये आइडियल जी केस सर है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन टिपिकली 8 to 10 months टोटल टाइम आप एवरेज लेके चलो पीआर लेने के लिए। जी ठीक सही है है, क्लियर है, क्लियर है जी। क्लियर है। आपने पूछा कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू नहीं होता अनलेस कोई शक है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, तब इंटरव्यू करते हैं। अगर इंटरव्यू आ गया इसका मतलब कोई ना कोई उनके मन में शक है, ठीक जी सर ठीक है है। अगर इंटरव्यू नहीं आया डेट मीन्स एवरीथिंग लुक्स क्लियर। और जब आप कैनेडियन एयरपोर्ट पे जाते हो तो भी ज़्यादा खास इंटरव्यू नहीं होता, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं। अगर आपके पास कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, जिन करके उनका बीच में डिवोर्स हो गया, कोई बच्चा नया हो गया, कुछ और कोई हो गई, तो जरूर एक इंटरव्यू की बात निकलती है। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं है तो इसमें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक जी सर ठीक है। है। आपने पूछा आपने पूछा कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए कनाडा आने से पहले। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी इंग्लिश तेज करें, IELTS का टेस्ट देके अच्छे से अच्छे स्कोर लाएं। बाकी चीज़ें तो सब अच्छी आ जाएंगी, कंप्यूटर टेक्नीशियल वो सब चलता रहेगा। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैटिस्टिकल जो सर्वे किया है उसमें पाया है कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको कोई परेशानी नहीं होती है सेटल होने में। जी सर ठीक है यही मेरा आपसे एक सलाह देनी थी कि आपको जो पूछा क्या आप सीखें आने से पहले, तो आप बस इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश तेज करें अपनी। अगर फ्रेंच सीख सकते हैं तो फ्रेंच सीख लें, लैंग्वेज को अपनी एक कब्जे में लाएं, इंग्लिश को जितना हाई आप पहुंचा सकते हैं ले जा सकते हैं ले जाए। ठीक है जी। नंबर 16 जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि डिग्री और वीजा प्रोफेशन नॉट द सेम थिंग, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने कंप्यूटर टेक्नीशियन का जो प्रोफेशन है उसमें आपके पास CCNA का है तो आपका वो चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट डज नॉट मैटर आप BA डिग्री किसी और में है, टेक्नीशियन मतलब सर्टिफिकेशन है, उससे आप रिजेक्ट नहीं होगे, इस पॉइंट पे रिजेक्ट नहीं होगे। क्लियर जी ठीक है सर है सर, आपके क्लियर है जी। पास कोई सवाल नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ी हैरानी हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपको सवाल सवाल सारे पता है, लेकिन आप सवाल पूछे मेरे को लगना चाहिए कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। नहीं वो तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। एक्चुअली अच्छा बाद स्क्रीन में में रिकॉर्ड, दूसरी पे देख रहा हूँ और सवाल अच्छा आते दूसरी स्क्रीन पे चल रहे हैं मेरे, अच्छा उधर ठीक है भी मैं कोई देख रहा बात हूँ। जी। अगला सवाल आपने पूछा है कि कौन सा वीजा प्रोफेशन दे विल कंसिडर, इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। जी जी मैंने आपको जी पहले ही जी बताया पहले कि हो टू गया बिट वन आपकी 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 ऑक्यूपेशन है, वो तो पहले ही मैंने शुरू में क्लियर कर दिया। एलिजिबिलिटी के लिए पॉइंट्स के लिए आप मेरी कुछ वीडियोस देख लें, उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे भी बना हुआ है, और उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप खुद अपने आप को उसमें पॉइंट्स डाल के अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इनिशियली आपके 67 पॉइंट्स आने चाहिए शुरू करने के लिए, आपके 67 पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में अपने टोटल पॉइंट्स देख सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? आवाज नहीं आ रही भाई साहब, उम्र कितनी है भाई साहब आपकी? उम्र जी उम्र 30 साल हो गई जी, 30 साल है। 1987 की पैदाइश। आपके पास डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है? जी सर इंग्लिश का स्कोर कितना है? है नहीं जी, अभी तो किया ही नहीं, आइट्स किया नहीं है मैंने। हाँ, इंग्लिश का स्कोर आप कर लें। अगर इंग्लिश का स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं आएगा तो आपके पॉइंट्स बनने वाले नहीं है। जी सर ठीक है। आप CLB 9 लाने की कोशिश करें, मतलब कि आप देखें कि मिनिमम मैं समझता हूँ आपके 888 आने चाहिए।
तब आपके पॉइंट्स बनने वाले हैं, अदरवाइज पॉइंट्स बनने नहीं हैं। ठीक है जी। क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस तो 3 साल का है ही आपके पास जी सर, तो आप में जो जो कमी है वो इंग्लिश की है, और कोई कमी नहीं है, और मेरे को लगता नहीं कि और कोई प्रॉब्लम है, बस आप इंग्लिश का स्कोर ना लेके चले। वही जो सवाल आपने मेरे ख्याल जो हमने पहले जवाब दे दिया वही सवाल आपने पूछा कि कितना आईएलएस स्कोर चाहिए, और मेरे को आईएलएस पहले चाहिए 1920 जो सवाल है वो ऑलरेडी मैंने पहले ही से अंदाज जी लगा जी के सर, पहले ठीक है कि आईएलएस चाहिए आपको। ये आपकी जो जिंदगी के जो राज खुलने वाले हैं कनाडा के लिए वो इंग्लिश के स्कोर से ही खुलने वाले हैं, और कोई जिसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपने पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ इंग्लिश के, मैंने कई बार कहा लोगों से कि इंग्लिश के बगैर कनाडा में पत्ता भी नहीं है। आगे स्कोर अपना आगे आप बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर हिल जाए आपका कोई वो। मैं असल में जा रहा था कि डॉक्टर के पास बैठूं, बीच बीच में आवाज रुक जाती है। अच्छा, तो इंग्लिश इंग्लिश का आप तैयारी करें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश का करें। आपने जी सर, आपने पूछा है कि आई एम सेंडिंग मनी इन माई यंगर बैंक अकाउंट टू होम एक्सपेंसिव, नहीं आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी लगेगी, आपके भाई की स्टेटमेंट नहीं लगेगी। ठीक है जी, मतलब कि आपकी या आपकी वाइफ की जो बैंक स्टेटमेंट आप उन दोनों के नाम पे है, जितने पैसे हैं वही माने जाएंगे, किसी और के पैसे किसी और के अकाउंट में माने नहीं जाएंगे। जी जी ठीक है जी। हाउ मच मनी आई हैव टू डिपॉजिट पाकिस्तान, इससे कोई मतलब नहीं हमारा, कोई कनाडा का कोई लेना देना नहीं कितने पैसे दे रहे हैं। जी जी। ये जो आपने बोला कि किसी ने एक यूट्यूब पे बनाई है कि नो नीड LMI फॉर वर्क परमिट सेव अप टू होटल, ये मेरे को पता नहीं क्या है इसमें, जो भी राज हैं आप राज बता दें क्या राज हैं। लोग तरह जी, तरह ये के वो हरनेक सिंह रंधावा उन्होंने बनाई थी वीडियो एक, हाँ आप अगर इस अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट में अप्लाई करते हैं तो $5,000 सिर्फ लगेंगे। देखो वो तो है ही है, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसमें, लेकिन जॉब ऑफर चाहिए आपको। अच्छा अच्छा ठीक है जी, उसमें वो तो LMI चाहिए ही नहीं है, वो तो ये है कि आपको जॉब ऑफर मिलती है तो फिर उसमें खर्चा 5,000 का भी खर्चा कहाँ है उसमें, तो मेरे ख्याल है कि जो कंपनी है उन्होंने सारा खर्चा कर देना आपको। तो मेरे ख्याल है कि सिर्फ जो फीस वगैरह है मैं समझता हूँ कि $1,000 से नीचे भी सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है सर। तो वो भी पैसे नहीं लगने हैं आपको। असली चीज है जॉब का, जॉब जॉब है, जॉब हाथ में आएगी तब जी वो बात। ठीक है सर, ठीक है। आपने अगला सवाल पूछा है कि CV कंपलसरी टू अप्लाई फॉर वीजा, CV ये तो आप टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि टूरिस्ट वीजा आप अप्लाई ना करें, ये जी सर, टूरिस्ट वीजा के सपने छोड़ के आप सिर्फ जी अपने ठीक है, दो तीन महीने चुप करके दरवाजे बंद करके सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश ही आपका आपके जिंदगी का बेड़ा पार लगाएगी एज फार एज कनाडा इमिग्रेशन इज कंसर्न। ठीक है जी। आपने पूछा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल करे, ये नहीं पता मेरे को क्या होता है, करना है कर सकते हैं लेकिन PR से कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, PR से कोई मतलब नहीं है। होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं आप, होटल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि फास्ट फूड शेफ बनना है, अभी तो आप कंप्यूटर काम कर रहे थे, फास्ट फूड शेफ क्यों बन जाएंगे भाई। नहीं, ये वहां काम ढूंढने के लिए 2-3 स्किल्स मैंने कहा हूं, अगर करके नहीं, आएंगे तो वो बात की बातें हैं। अभी इस वक्त जो हाल जो घड़ी जो हमारे पास जो फोकस है ना, जो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है PR लेना। PR लेने के लिए जैसे मैंने पहले बताया 4 चीजें को दुरुस्त करें आप। एक तो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने प्रॉपर रखें 3 साल के, जिसमें आपके पास जॉब लेटर हो, पे स्टब्स हो, सैलरी सर्टिफिकेट वाला वो सारे हों। अभी अभी आप कोई भी अपनी कोई स्किल या कोई जॉब चेंज ना करें। एक तो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्यूटर टेक्नीशियन के सही रखें, इंग्लिश लैंग्वेज पे जोर दें, इंग्लिश आपकी बहुत ही हाई आनी चाहिए और आप प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल आपकी इंग्लिश मेरे को पता नहीं कैसी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करके हाई इंग्लिश लानी है। आपकी जो BA डिग्री है, BA डिग्री का इवैल्यूएशन कराना है कनाडा से, देखते हैं वो BA के अलावा BA के बराबर की आपके पॉइंट्स दे भी रहे हैं कि नहीं है। क्या पता आपकी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड कर दिया, वो कहते हैं जी आपकी जो BA है वो कनाडा की BA के बराबर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और जो 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 चौथी चौथी चीज है वो है, वो तो एज तो आपकी है ही है, 30 है, तो एज में तो कोई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। हाँ, इसको ज्यादा ऐसे ऐसे एज बढ़ती जाएगी तो पॉइंट्स थोड़े थोड़े हिलते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी आप कोई और कोई जॉब या कोई ट्रेड चेंज ना करें जब तक आपको PR नहीं मिलता। एक बार PR वीजा, एक बार आपकी फाइल लग जाएगी, PR
कि आपका इनविटेशन आ जाएगा, फिर चाहे जो मर्जी धंधा करते रहें, फिर दे डोंट केयर। आपने पूछा कि 28 के फ्रेंड है आपका, उसका बेनिफिट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। फ्रेंड अगर वो वाकई इतना तगड़ा फ्रेंड है तो उसे फ्रेंड से कहना कि भाई तुम्हारे लिए कोई जॉब पहले से अप्लाई करके दे दे, अगर कोई जॉब का बंदोबस्त कर देता है तो उससे अब दोस्ती का याराना वो का टेस्ट हो जाएगा कि भी कितना जी, कितना यार है, पता लग जाएगा। दोस्त कहना तो अलग बात है कि मैं दोस्त हूँ तेरे लिए, मैं तेरे पे जान छिड़कता हूँ, अब उससे कहना कि भी जान छिड़कने की बात छोड़, पहले तू मेरे लिए नौकरी का चिट्ठी निकाल। ठीक है जी, ठीक है, ये इससे बेनिफिट हो सकता है अगर आपने। हाँ, अगला सवाल पूछा आपने कि जॉब एक्सपीरियंस लेटर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, ये तो सवाल ही बेबुनियाद है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप टूरिस्ट वीजा में अपना पैसा खराब करें, टाइम खराब करें। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं कि मैं क्यों नहीं चाहता कि आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो, इससे पहले कि कोई और कोई कुछ बात समझे। टूरिस्ट वीजा अगर आपको मिल भी गया, पहली बात तो मिलने की उम्मीद कम है, अगर आपको मिल भी गया उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और पैसा भी खराब होगा और टाइम भी खराब होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप टूरिस्ट वीजा की तरफ जरा अपना अपनी एनर्जी खराब करें। आप फोकस करें 100% कि आपको पीआर के लिए क्या क्या कदम लेने हैं, क्या क्या स्टेप लेने हैं, उस पर आप फोकस करें, बाकी सब कुछ एटलीस्ट फॉर फ्यू 3-4 मंथ्स। आपने पूछा कि कार ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका कॉपी और लाइसेंस, ये तो छोड़े, कार लाइसेंस क्या कर रहा है यार, कार लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है वीजा लेने देने का, इसका देना देना नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका पुलिस स्टेशन से लगेगा, ये लगेगा आपका पीआर की फाइल में इवेंचुअली लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ बट इन फ्यूचर में आपका पीसीसी लगेगा, आपका पुलिस स्टेशन जो आप जहाँ रह रहे हो सऊदी में रहे हो वहाँ वहाँ का लगेगा, और जो आप पाकिस्तान से आए हो वहाँ का लगेगा, दोनों के लगेगा। जी जी ठीक है, उसमें से आई होप कि आपके पास कोई कोई बैकग्राउंड सही है, कोई क्राइम नहीं है उसमें, वो बिल्कुल चेक करेंगे। अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं। हाँ, ट्रांसलेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इंग्लिश में होने चाहिए, अगर कोई उर्दू में कुछ लिखिया तो उनका ट्रांसलेशन बकायदा इंग्लिश में होना चाहिए, वो आपको कराना पड़ेगा अपने आप इंडिपेंडेंटली। कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, ठीक है, वो कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी ट्रांसलेट, सारे जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको ट्रांसलेट करना पड़ेंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अगर है, अगर एजुकेशन का है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सारे कुछ है, वो सब कुछ आपको कराने पड़ेंगे। जी सर, ठीक है, ठीक है। आपने अलग सवाल पूछा कि अगर आपने अप्लाई किया सऊदी अरेबिया से, रिसेंटली कंपनी फायर्ड मी, रिजाइन मैसेज, नहीं, आपको कहीं से भी अप्लाई करें, एक्सप्रेस एंट्री में आप कहीं से भी अप्लाई करें, आपकी फाइल जब लग गई, जब पॉइंट्स उसमें जितने भी आ गए उसके बाद आप सऊदी में रहें, पाकिस्तान में रहें या उज़्बेकिस्तान में रहें, उससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी ठीक है, पाकिस्तान में रहें चाहे तुर्कमेनिस्तान में रहें, चाहे अफगानिस्तान में रहें या पाकिस्तान में रहें, कहीं पर भी रहें, एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपकी जगह बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल आपने पूछा, सवाल तो आपने बहुत लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत करी है आपने, सवाल मेरे को इतनी मेहनत लग नहीं रही जवाब देने में, लेकिन आपने लिखने में कितना मेहनत करी है मैं देख रहा हूँ। आपने लिखा है कि आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री होती इंग्लिश में आपको कोई फायदा मिलता, इससे नहीं, मास्टर डिग्री का फायदा सिर्फ इतना ही है कि मास्टर डिग्री से आपके पॉइंट मिलते हैं, बाकी इंग्लिश का कोई फायदा नहीं है, आपको इंग्लिश का टेस्ट तो फिर भी देना पड़ेगा। और आपने बोला कि जॉब स्कूल कॉलेज में आपको टीचिंग की जॉब मिल सकती है, अभी बहुत मुश्किल है कि आपको टीचिंग की जॉब मिलेगी कनाडा में, इतनी लंबी सोच अभी अभी रखने का कोई फायदा नहीं, जब आप आओगे तब देखना पीआर बन के क्या हालात है, क्या जॉब मिलती है। अभी अभी इस वक्त तो आपके पास कंप्यूटर की एक महारत हासिल है, उस चीज को लेकर आप पीआर पहले लो, जब आओ आपको जॉब चाहिए, आपके परिवार है, वाइफ है, बच्चे है, उसको इनिशियली आपको कंप्यूटर का जॉब मिलेगा इंस्टेड ऑफ कोई और टीचिंग वीचिंग का जॉब मिलेगा। तो अभी तो आप स्टेप बाय स्टेप फोकस करो अपने जो माइलस्टोन को, अभी टीचिंग की जॉब मिलने का, टीचिंग की जॉब मिलने वाली भी नहीं है अभी आपको। आपने लिखा है, अगला सवाल लिखा है कि अगर आपने वर्क समवेयर डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, जॉब लेटर जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस लेटर, वो आपको चाहिए है, उस एक्सपीरियंस लेटर में क्या क्या लिखा होना चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताए हैं, ये बहुत बड़ी गलती कई बार लोग कर जाते हैं, और ये बहुत ही एक सवाल उनका है कि भाई जो एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर में क्या क्या लिखा होना चाहिए।
क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लेटर सही है, अगर नहीं है तो आपके एक्सपीरियंस को वो मना कर देंगे। मैं आपके फायदे के लिए और लोगों के फायदे के लिए दोबारा से ये बता दूं कि एक्सपीरियंस लेटर में क्या होता है, किसी कंपनी का उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे चाहिए, ऑफिशियल लेटर हेड पे कुछ बातें होना जरूरी हैं, जिसमें कि ठीक उनका है जी। पूरा कंपनी का नाम, कंपनी की वेबसाइट अगर है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो ऑफिसर साइन कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट को उसका नाम, अगर वो एचआर मैनेजर है या एमडी है जो भी कुछ है उसका टाइटल, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या जॉब आप कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी जॉब टाइटल क्या है, जॉब की ड्यूटीज क्या करते हैं। अगर आप कंप्यूटर टेक्नीशियन है फॉर जस्ट एग्जाम्पल लिया, तो कंप्यूटर टेक्नीशियन क्या क्या जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर टेक्नीशियन मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, लैन बनाते हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, कोई और कोई नेटवर्क को उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को देखते हैं, डेटा बैकअप करते हैं, इस तरह की वगैरह वगैरह जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वो जी सब जी उसमें लिखी होंगी। तो वो सब उसमें ड्यूटीज ठीक है लिखी जी। होंगी, जॉब लेटर में कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना बोनस है, कितनी छुट्टी मिलती है आपको, कब से आपने काम शुरू किया, अगर नौकरी छूट गई फिर तब तक कितने, तो ये सब बातें उसमें लिखी होंगी, तब जाके वो एक्सपीरियंस लेटर कबूल होगा, अदरवाइज वो आपका एक्सपीरियंस को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर ठीक है जी हो गया थोड़ा सा? जी जी सर। तो ये इसको भी मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। और आपने सवाल पूछा है कि 37 व्हाट अबाउट रेस्ट एंड एडवोकेशन प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग, ये तो सवाल ही बेबुनियाद है, इसको तो आप टूरिस्ट वीजा को तो छोड़ ही दें अभी आप। विच स्टेट इज द बेस्ट एंड वीजा स्पेसिफिक, नहीं आप ये पूरे कनाडा के लिए पीआर मिलेगा आपको, कहीं भी कनाडा में रह सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि किसी आप शहर से या स्टेट से आप बंदिश में आ जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। अनलेस आप अटलांटिक प्रोविंस में लेते हैं, जो उन्होंने पहले वीडियो के बारे में बात करी, उसमें क्या है कि जहां आपको जॉब मिलती है वहीं आपको, आप 2 साल मान के चलें कि वहां आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप जॉब लेके पक्के होने के अगले दिन वहां से भाग गए किसी और शहर, तो फिर वो बात वो खत्म हो जाएगी, इनवैलिडेट हो जाएगा काम। ठीक है जी। इसलिए आपको जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें यू कैन लिव एनीवेयर इन कनाडा। ठीक है जी। आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया, अब मेरे से सवालों के अलावा कोई अगर आपको कोई परेशानी है उसके बारे में बताएं। जी सवाल, एक सवाल यह है कि आइल्स के जो स्कोर है पूरे दुनिया से एक ही तरह के माने जाते हैं या सऊदी अरब से अलग, पाकिस्तान से अलग? जिस तरह के यहाँ से अगर सऊदी जाते हैं अभी पढ़ने बाहर, तो वो 4 बैंड के साथ उनका एडमिशन हो जाता है। देखो फर्क क्या है, समझने की कोशिश करो कि आईलेट स्कोर जो है एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, हर एक दुनिया में एक ही टेस्ट चलता है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, आई डू नॉट नो कि सेम क्वेश्चन है। जो आदमी इंडिया पाकिस्तान में जो टेस्ट दे रहा है आईलेट्स का, और जो अमेरिका कनाडा में बैठा है, यूरोप में बैठा है, वो टेस्ट का जो फॉर्मेट है और वो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है और हर एक जगह। तो ये जी ब्रिटिश ठीक है। काउंसिल रन करती है आईडीपी, और एक आध कोई हो शायद करते हो, तो ये लोग रन करते हैं, उनका 3 घंटे 3.5 घंटे का टेस्ट है, उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ऐसे स्पीकिंग वगैरह होते हैं, तो उसमें करते हैं। इसमें इट डज नॉट मैटर कि आप टेस्ट आप सऊदी में लो या पाकिस्तान में लो या रशिया में जाके लो या श्रीलंका में लो, टेस्ट का कनेडियन सरकार को आपका टेस्ट का एक मार्कशीट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जी ठीक है सर जी। और ये जो रेजिडेंस के हवाले से था, ये पीआर मिलने के बाद की रेजिडेंस की बात मैं कर रहा था, कि वहाँ आके रिहाइश का इंतजाम वगैरह वो पहले से डिसाइड करके जाना होता है जब वहाँ आके? नहीं, कैनेडियन सरकार ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको बताया, जब आपको पीआर मिलेगा तब आप बीवी बच्चे समेत यहाँ पर आएंगे, और तभी तो आपको कह रहे हैं कि पैसे लेकर आए $20,000, जी जी तो जी आप यहाँ पर जब आएंगे तो उसके बाद फिर आपकी जहां मर्जी रहना चाहे, अपना घर लें किराए पे, जहां मर्जी रहना चाहे दे, तभी तो आपको पैसे काम आने वाले हैं। और आप ठीक है सर। पहले ही कह चुके हैं कि आपके वहां पर दोस्त हैं, तो आप वो दोस्त काम आएंगे ना इस बारे में, वो बताएंगे कहाँ रहना, उनके साथ रहना, जी बगल में रहना, कहाँ नहीं, रहना। वो तो एक सवाल था कि फॉर एग्जांपल अगर होते दोस्त, यानी हाँ नहीं तो वो आप कहीं भी रह सकते हैं, आपकी कोई जी सर उसमें, ठीक है हाँ इनिशियली तो लोग पहले किराया लेते हैं, होटल में रहते हैं कुछ दिन और किराया, धीरे धीरे पता लगता है। तो जी ये भी हो ठीक सकता है। है, ये भी हो सकता है कि आप पहले आके देख लें, कुछ छानबीन कर लें, फिर आप बीवी बच्चों को एक आध महीने बाद ले आए, ऐसा भी हो सकता है। तभी तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि आप पहले ही से
अपने दोस्त से कहें या किसी से कहें, आप पहले जॉब के लिए तलाशी करें। अगर हो सकता है कि आपको किसी शहर में जॉब मिल रही है तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो आपको पता ही है कि तनख्वाह पहले से मिलने को शुरू हो जाएगी जब आप जाएंगे वहां पर, और जहां पर आपको नौकरी मिलेगी वहीं पर आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से काफी एक सेटलमेंट एजेंसियां बनी होती हैं, जहाँ पर वो लोग जैसे नए नए लोग हैं, जैसे आप आते हैं तो उनके लिए वो हेल्प करते हैं कि अभी आपको रेज्यूमे बनाना या जॉब सर्च या इंग्लिश ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, हाउसिंग वगैरह के लिए कई यहाँ पर छोटे छोटे वहाँ पर ऑफिसेज बने हैं ऑल ओवर कैनेडा। तो जब आपका PR वीजा मिलने वाला होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, उनकी जो एम्बेसी वगैरह, वो आपको ईमेल राय बताएंगे आपको कि ये तरह की सपोर्ट सर्विसेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और बताएं, हुक्म करें, सवाल बोलें। बस जी अभी आप ही फाइनल एडवाइस करेंगे। सर फाइनल एडवाइस तो मैंने पहले ही कर दी कि आपको, कि आप किसी और चक्कर को छोड़ के टूरिस्ट वीजा वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई लॉन्ग टर्म आपका उद्धार नहीं होने वाला। आप छुप करके सिर्फ PR एक्सप्रेस एंट्री के लिए फोकस करें और कहीं आप तो ध्यान, इंग्लिश आपकी आवाज आवाज कट रही है, दूसरा आवाज आपकी कट रही है, आवाज जी। कुछ नहीं आ रही मेरे को, कट रही है आपकी। दोबारा बोलें, क्या बोल रहे हैं? जी सर अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। ठीक है सर, एक तो इंग्लिश का मैं फोकस करूं, दूसरा CCNA को एक्सटेंड कर लूं, और तीसरा इसके अलावा और क्या जी? और कुछ नहीं है। और जो जो वो अब चार जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री की, वो ये हैं कि आप अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं पिछले जी ठीक पिछले है 8 साल के, जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, उसको आप पूरा एक फाइल बना के मुकम्मल करें, उसको जो जी मैंने सर। बताया ठीक फॉर्मेट में वो है करें। ठीक है जी। आपकी जो BA की डिग्री है वो आपको इवेल्युएट करने भेजें कनाडा से, क्योंकि जी उसके उसके हिसाब से ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी पाकिस्तान की BA डिग्री कनाडा के लेवल की नहीं निकली तो पॉइंट्स आपके नीचे गिर जाएंगे। जी सर, तो वो किसको भेजनी वो मैं पड़ेगी? आपको लिंक, वो मैं आपको कोई वेबसाइट उसका? जी सर मैं आपको एक लिंक टाइप कर दूंगा नीचे, जी सर ठीक एक है। लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करें। उसमें से चार ऑर्गेनाइजेशन है, चारों में से किसी को भी चूज करके ऑनलाइन उनको आप अपना अकाउंट बना सकते हैं उनसे। ठीक है जी। या वो मैं जो 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 मैंने दो तीन जो स्टेप करें उसका मैं लिंक आपकी आपको डाल दूंगा, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। जी सर ठीक है और बताएं। ठीक है जी। और सवाल अभी जहन में आया नहीं क्योंकि आज ही लिखे थे सारे। सर जी, आपके जहन में जितने भी सवाल आए हैं सारे सवालों को पूरी तरीके से हमने घेर लिया है, सारे सवालों को एक एक करके हमने टैकल कर दिया है। जी और अगर बिल्कुल कोई अगर फ्यूचर में याद आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इस वक्त जो निचोड़ निकला है वो है कि सिर्फ आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए फोकस करना है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ना स्टूडेंट वीजा, ना टूरिस्ट वीजा, ना इन्वेस्टर वीजा, ना फलाना वीजा, ना इधर वीजा कुछ है। आपका सिर्फ जो एक निशाना है वो है कि PR एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डालनी है, उसके लिए ये करना है हमें, बस और कुछ नहीं देखना। किसी भी जी ठीक कंसल्टेंट, है। जन आखिरी आखिरी बात मैं एक और कर दूं, आवाज आ रही जी है मेरी? सर आ रही जी बिल्कुल। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना नहीं जाना ये आपका एक निजी एक फैसला है, आपका एक चॉइस है। कैनेडियन गवर्नमेंट कोई प्रायोरिटी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती कि आप कंसल्टेंट से करा रहे हैं नहीं करा रहे, दे डोंट केयर। अगर आपको फाइल अपने आप लगाते हो या किसी लॉयर से लगवाते हो, नतीजा उसका एक ही होने वाला है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई वो चीज़ कोई पता ही नहीं लगती, तो आप कंसल्टेंट के पास जो लाइसेंस शुदा है उससे जाके पूछें बस कि भाई इसका मतलब क्या है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3-4-5 हज़ार डॉलर आप किसी लॉयर को दें और वो आपका कोई जादू करके आपका PR वीजा जल्दी आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी सर ठीक है बस इतना ही मेरे को कहना है। जी। तो अगर आप फॉर्मेट मुझे भेजते हो जो एक्सपीरियंस लेटर वाला है, क्योंकि यहाँ की जो कंपनियां वो लिखती हैं सिर्फ एक हमारा डेजिग्नेशन लिखेंगी और कब से कब तक काम किया, तो मैं फॉर्मेट आपको अगर होगा वो मैं हम। आपको भेज दूंगा, मैं आपको वो जी भेज सर दूंगा, वो आपको मैं ठीक है जी। ईमेल भी कर दूंगा। और बाकी जो इंग्लिश वाला, इंग्लिश का और जो असेसमेंट करना है एजुकेशन का, वो मैं आपको एक लिंक भी टाइप कर दूंगा, तो वो मैं कर जी दूंगा, आप सर उसकी फिक्र ना करें। जी और सर बताएं, ठीक है। बस जी मेरी तरफ से तो खत्म हो गए सवाल आप सारे। तो बस खत्म हो गए सवाल PR और सारे? एक्सपर जी सर PR और एक्सप्रेस ये एक ही नाम है यानी दोनों चीजों एक का? एक्सप्रेस एंट्री एक जरिया है PR तक जाने का, कई तरीके से PR मिलता है।
और एक्सप्रेस एंट्री एक जरिया है, एक रास्ता है जो इख्तियार करके हम उसको पीआर जो मिलता है। जी सर, ठीक है। और बताएं सर, हुक्म करें, बस जी, खत्म कोई तसल्ली हो गया। हुई आपको, कुछ कोई तसल्ली हुई, जितने सवाल थोड़े से उनकी जो डाउट वोट क्लियर हो रहा है, दिमाग ठंडा हो रहा है, कुछ क्लियर हुआ कुछ? जी जी बिल्कुल, सब कुछ क्लियर हो गया। बाद में रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे एक बार फिर मैं, इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक जी है चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप दैट यू विल डू द राइट थिंग एंड आई विश यू वेल फॉर योर फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।